दोस्तों, जहाँ अंतरिक्ष में 600 से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, वहीं समुद्र के निचली हिस्से तक केवल 3 लोग ही पहुँचे। समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खोजा गया है। 1960 में डॉन लॉश और जैक्स पिकार्ड मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप तक पहुँचने वाले पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक टीम के रूप में उस डाइव को पूरा किया। जब उनकी सबमरीन 30,000 फीट की गहराई पर थी, तब उन्होंने एक धमाका सुना और देखा कि सबमरीन की खिड़कियाँ टूट गई है। उन्होंने दरार का निरीक्षण किया और नीचे जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तैर करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। 4 घंटे 47 मिनट के बाद और लॉश समुद्र तल पर पहुंचे। यह जानना उपयोगी है कि समुद्र में सबसे गहरे बिंदु के तल पर दबाव सर पर खड़े 100 हाथियों की तरह महसूस होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।